ये 3.9 क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें आपने बेसिकली करंट इन ईच ब्रांच निकालना है, कौन कौन सी ब्रांच में कौन कितना कितना करंट जा रहा है। तो इसका शॉर्टकट मेथड है, इसमें शॉर्टकट ऐसे है, मैंने मान लिया 10 वोल्ट से यहाँ से करंट आई निकला और यहाँ से करंट आई एंटर हो गया, और यहाँ से करंट आई एंटर होगा तो ये 10 और 5 का कॉम्बिनेशन है। मैंने मान लिया यहाँ पर आई वन गया, यानी यहाँ पर कितना गया, आई माइनस आई वन। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। देखो इस वायर को छोड़े तो देखो जितना 10 और 5 में से करंट एंटर हो रहा है उतना ही 10 और 5 में से बाहर निकलेगा, ठीक है। ये 10 और ये 5 है, जितना 10 एंड 5 में से एंटर होगा उतना ही 5 और 10 में से बाहर होगा। और लकीली ये 10 है और ये भी 10 है, ये 5 है। देखो 10/5, 5/10 तो है नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज तो लग नहीं रहा, लेकिन ये 10 है। जितना टोटल करंट यहाँ से देखो, अब इस पोर्शन में बोलूँ तो ये और ये दोनों मिलके I1 और I-I1 यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो उसके बाद भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगी, 10 नो में I1 जाएगा, मतलब इसमें अब भी कितना जाएगा, I1, ठीक है, और इसमें कितना, 5 ओम में इधर कितना गया था, I-I1, तो इसमें I-I1 जाएगा। ये सिर्फ ऐसे केसे में ही हो सकता है जिसमें 10/5 और 5/10 का कॉम्बिनेशन हो। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर 4 है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ हेयर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज सेम, बट ये 10 और ये 5, और जैसे ये 5 और ये 10 हो। अब इसमें ना जो एक ब्रांच है जिसमें से करंट निकालना है वो ये रह गई, ठीक है। अब पीछे से करंट आ रहा है I1, सोचो इसको, अभी ये मैंने मान लिया करंट ये x जा रहा है, और यहाँ से कितना जा रहा है, I-I1। तो जंक्शन रूल लगाएंगे हम, मालूम है जितना करंट आ रहा है I1 वो किसके बराबर होना चाहिए, x+I-I1। अब x को निकालना तो x को इधर ही रहने दीजिए, I1 इधर आ गया तो 2I1 आ गया, और यहाँ पर प्लस का आई यानी माइनस का आई हो गया, यानी जो x की वैल्यू है, यानी इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, ये करंट आएगा 2I1 -I, ठीक है। ये आपको तीनों वैल्यू ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन आनी चाहिए, बड़ी सिंपल थी। अब उसके बाद में आपने सिर्फ दो लूप लगाने हैं, एक इनवर्ड लगा लीजिए, एक बार बार से लगा लीजिए। जैसे ये मैंने पहले ये वाला लूप लगाया, मैं मेरा एक तरीका है लूप का, जैसे मैं लूप लगाता हूँ मैं वैसे ही उसकी शेप जैसी होती है वैसे ही लूप बना लेता हूँ। जैसे ये ट्राइंगल तो ट्राइंगल ही बना लिया, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी 10I1 आ गया, ठीक है। ये और ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी 5 + 5 × 2I1 - I आ गया, और ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी ये आ गया -5I - I1। बैटरी कोई है नहीं सर्किट में तो ये 0 हो गया, ठीक है। मुझे लगता है ये आपको क्लियर है कि ये 0 क्यों हुआ। अभी I1 और I में रिलेशन निकालते हैं। देखो 10I1 + 10I1 - 5I - 5I + 5I1 = 0 आ गया। अभी 10, 20 और 25I1 हो गया, ये --10I हो गया, ये उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 10I हो जाएगा। तो I1 कितना आ गया, I1 आ गया 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, यानी I1 = 2/5I। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, सर समझ में आ गई। अब आपने जो लूप लेना बाहर से जाना है, मतलब मैंने ये वाला लूप लेना, जैसे मैं बोल दूँ ए बी सी डी और ई, यानी मैंने लूप लिया, अब इन लूप कौन सा लूप लिया, ए बी सी डी ई और ए, ये वाला, यूं 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 यूं। चलो सबसे पहले बैटरी है 10 वोल्ट, उसको साइड में डाल देते हैं। 10 जैसे वी कटू आई आर कहते हैं, वी 10 आ गया, आई आर यानी 10I। अभी ये गया, ये गया, इसकी डायरेक्शन तो मैंने लूप यूँ लिया, तो ये भी पॉजिटिव, इसको इससे मैच करोगे, ये इससे मैच करोगे, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, यानी +5I - I1। अब इसकी डायरेक्शन भी सेम है, यानी +10I1, ठीक है। यानी जो इक्वेशन बनी हमारी वो क्या बन गई, 10 = 10I + 5, यानी आ गया 15I - 5I1 + 10I1, यानी +5I1 आ जाएगा इसमें, सर ठीक है, समझ में आ गया। I1 की वैल्यू कितनी है, सर I1 की वैल्यू है हमारे पास 2/5I, यानी ये आ गया 2I, यानी आपका कितना आ गया, 10 = 17I। मुझे लगता है ये क्लियर है, 10 = 17I आ गया आपका, तो 10 = 17I आ गया, यानी I = कितना आ गया, 10/17। आई कितना आ गया,
10/17 मुझे लगता है क्लियर है, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से किया है, जैसे ही अगर आपके पास आई आ जाता है तो इस आई की वैल्यू आप इधर डाल देंगे तो आपके पास आई वन भी आ जाएगा। देयरफॉर आई वन कितना आ गया 2/5, आई की वैल्यू है 10/17 यानी आपकी कितनी आ गई 4/17। ठीक है, जैसे ही ये 4/17 आ गया तो आप ये बोल सकते हैं ये जो आई माइनस आई वन है यानी 10/17 माइनस 4/17 यानी इस ब्रांच में 6/17 चला गया, इसमें तो आई वन ही गया, इसमें निकालना 2i1 यानी 4/5 आ जाएगा, 4/5 माइनस आई कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है यानी इस करंट की डायरेक्शन नीचे की जगह किस तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो गया।